ओम शांति। 13 नवंबर 1969 की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। बाप दादा की उम्मीदें। अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो। बाप दादा जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं? आत्माओं से। आत्माएं कौन सी? जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है। इतना नशा रहता है। हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिवान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बाप दादा भ्रिकुटी के बीच में चमकते हुए सितारों को ही देखते हैं। तुम सितारों को किस किस नाम से बुलाया जाता है? एक तो लकी सितारे भी हो और नैनों के सितारे भी हो। और कौन से सितारे हो? जो कार्य अब बच्चों का रहा हुआ है, उस नाम के सितारे को भूल गए हो। जो मेहनत का कार्य है वह भूल गए हो। याद करो अपने कर्तव्य को। बाप दादा के उम्मीदों के सितारे, वही कार्य अब रहा हुआ है। बाप दादा जो उम्मीदें बच्चों से रखते हैं, वह कार्य पूरा किया हुआ है। बाप दादा एक एक सितारे में यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। एक से ही अनेक बनने हैं। यह चेक करो कि हम ऐसे बने हैं, अनेकों को बनाया है। उसमें भी क्वांटिटी तो बन रही है, क्वालिटी बनना है। क्वांटिटी बनना सहज है, लेकिन क्वालिटी वाले बनना, यह उम्मीद बाप दादा सितारों में देखते रहते हैं। अभी यह कार्य रहा हुआ है, क्वांटिटी बनाना यह तो चल रहा है, लेकिन अभी ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं बनाने की सर्विस रही हुई है। क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को आप ही लाएगी। एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकता है। क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। अभी यही कार्य जो रहा हुआ है उसको पूरा करना है। अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो, क्वांटिटी को देख खुश होते हो, लेकिन क्वालिटी को देख सर्विस से संतुष्ट होना है। क्वालिटी कैसे लाएंगे? जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी उतना ही क्वालिटी वालों को लाएंगे। कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी। कोई को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो कोई को कम। इसका कारण क्या होता है? कभी उसी को ही मेहनत लगती है, कभी फिर उसी को ही सहज लगता है। यह क्यों? धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। कई कर्तव्यों में तो लोग कह देते हैं कि इनके भाग्य में ही नहीं है। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे, किस
विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है, श्रीमत पर चलना है, फिर भी क्यों नहीं चल पाते? कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में, मेहनत लगने का कारण यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में हैं, लेकिन इन बातों की मेहनत में नहीं जाते। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती, मोटी बुद्धि होने के कारण बहुत मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। महीनता में जाने का अभ्यास करना है। दूसरे शब्दों में यह कहेंगे कि जो सुना है वह करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना है। जैसे दही को बिलो कर महीन करते हैं, तब उससे मक्खन निकलता है, तो यह भी महीनता में जाने की बात है। महीनता की कमी के कारण मेहनत होती है। महीनता में जाने के बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उनको सुनाएं और उस ज्ञान की महिमा में ले जाएं, तो उनको भी मेहनत कम लगे और अपने को भी कम लगे। इस महीनता की ही कमी है, अब यही पुरुषार्थ करना है। शारीरिक शक्ति भी कब आती है? जब भोजन महीन रूप से खाओ तो उस भोजन की शक्ति बनती है। भोजन का महीन रूप क्या बनता है? खून। जब खून बन जाता है तब शक्ति आ जाती है। तो अब सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप को ना देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर जाएंगे तब रतन देखने में आएंगे और हर एक बात की वैल्यू का पता पड़ेगा। जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा, उतना आप वैल्यूबल रत्न बनेंगे। ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूबल नहीं बन सकते। एक एक रत्न की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। आप बाप दादा के वैल्यूबल रत्न होना। वैल्यूबल रत्न को क्या किया जाता है? छिपा कर रखना होता है। बाप दादा के जो वैल्यूबल रत्न हैं, उन्हों को बाप दादा छिपा कर रखते हैं, माया से छिपाते हैं। माया से छिपा कर फिर कहाँ रखते हैं? जितना जितना जो मूल्य रत्न होंगे, उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे तब ही राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। तो संगम युग का कौन सा तख्त है? तख्त है वा बेगर हो। संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त मिलता है। यह सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। कितना भी बड़ा तख्त सत्युग में मिले, लेकिन इस तख्त के आगे वह क्या है? इस तख्त पर रहने से माया कुछ भी नहीं कर सकती। इस पर उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा। इस पर रहने से माया के सर्व बंधनों से मुक्त होंगे। अच्छा,
ओम शांति।